शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्यवर्गस्य विषयः ज्ञानेन मुक्ति पाठ अष्टम अहम कृष्णानंद झा अस्मि वर्ग खष्टम कक्षायाम। क्लास सिक्स के लिए ज्ञानेन मुक्ति तृतीया विभक्ति। ज्ञान से जो मुक्ति होता है, ज्ञान के बिना ये संसार में सब कुछ अंधकार है। जिसके द्वारा कोई कार्य को किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण कारक, जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है, मतलब जिसके माध्यम से कोई कार्य का संपादन होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? से द्वारा। करण कारक जिस साधन की सहायता से, मतलब जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह कलमेन लेखम लिखति, वह कलम से लेख लिखता है। तो कलम के द्वारा क्या होता है? लेख लिखाया जाता है, लिखा जाता है। कलम के द्वारा लेख लिखा जाता है, इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति होगा। वह हाथ से लिखता है तो सह हस्तेन लिखती, तो हाथ में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसके द्वारा कोई कार्य का संपादन होगा बाबू, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ कलम के द्वारा लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए कलम शब्द करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। अत्र राधा वसति, यहाँ राधा रहती है। राधा जलेन वृक्षान् सिंचयति, राधा जल से वृक्ष को सींचती है। सा जलेन लतां पुष्पानि अपि सिंचयति, वह जल के द्वारा लता को, पुष्प को, अपने बगीचा को सींचती है। मत्स्या जलेन बिना न जीवंती, मछली जो है वह जल के बिना नहीं जीती है, नहीं जीवन उसका संभव है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम कार्यानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। अहम अग्रजेन सह विद्यालयम गच्छामि, मैं अपने भाई के साथ विद्यालय जाता हूँ। अहम अत्र छात्रेण सह पठामि क्रीडामि च, मैं यहाँ अपने छात्र के साथ पढ़ता हूँ और खेलता हूँ। मोहितः रोहितः च विदेशं गच्छतः, मोहित रोहित विदेश जाते हैं। तौ विमानेन विदेशं गच्छतः, वे दोनों विमान से, हेलीकॉप्टर से विदेश जाते हैं। तौ पुनः विमानेन स्वदेशं आगच्छत, वे दोनों पुनः मतलब दोबारा विमान से स्वदेश आते हैं। अत्र अनेके भिक्षुका संति, यहाँ अनेकों भिक्षुक हैं। भिक्षुक मतलब मांगने वाले को हम भिक्षुक कहते हैं। एक भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति, एक भिक्षुक जो है उसका वह पैर से असमर्थ है, खंजा है, लंगड़ा है। एक कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, एक कान से बधिर है। अन्य नेत्रेण कानः अस्ति, और जो है वह आँख से कन्हा है। एक नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, और एक उसमें अपने दोनों आँख से अंधा भी है। अपरः हस्ताभ्याम लुंठितः अस्ति, और वह एक जो उसमें ऊपर जो बैठा हुआ है वह हाथ से लुल्हा भी है, दोनों हाथ से लुल्हा भी है। अंकिता दूर विच्छेन नाटकम पश्यति, अंकिता टेलीविजन से नाटक देखती है। अमितः दूर भाषेन वार्तालापम करोति, अमित जो है वह दूर भाष से वार्तालाप करता है। शोभितः संगणकेन कार्यम करोति, शोभित सो है वह संगणके मतलब कंप्यूटर से
अपना काम करता है। बालका कंदुकेन क्रीडंती, बालक गेंद से खेलता है। ते पदाभ्याम कंदुकम छिपंती, वह पैर से गेंद को फेंकता है, छिपता है। बाला बाले ही सौ क्रीडंती, बालक और बालिका के साथ खेलता है। ते हस्ताभ्याम नमंती, वे दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं। ते कर्णाभ्याम आकर्णयंती, वे दोनों कान से सुनते हैं। सर्वे नेत्राभ्याम पश्यंती, सभी अपने आँख से दोनों आँख से देखते हैं। ते सर्वे मिलित्वा गायन्ति, दानेन पानी न तु कंगनेन, स्नान शुद्धि न तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मुंडनेन। यहाँ तक पढ़ाए हैं, इसका अर्थ हम कल बताएंगे। धन्यवाद। कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।